बाड़ेबंदी की खबरों से अंदरखाने इनकार किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में जुटी हुई है, वहां तमाम विधायकों को एकजुट करने की कोशिश है और इसी वजह से अब एक अहम चुनौती भी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पायलट खेमे के पास भी तमाम विधायक मौजूद हैं और अब बीजेपी में भी ऐसा ही दौर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो वसुंधरा राजे हैं वो दिल्ली में ही मौजूद हैं, जो कि तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। कल उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आज राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो अहमदाबाद के पास स्थित है ये रिसोर्ट जहां पर इन विधायकों को ठहराया गया है। कुछ और विधायक जो कि यहां से रवाना हो रहे हैं, हालांकि धार्मिक यात्रा इसे नाम दिया गया है। तो अशोक लाहोटी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो यहां से रवाना होते हुए। बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बीजेपी विधायक पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तमाम विधायक जो कि यहां से रवाना हो रहे हैं, हालांकि जब इन विधायकों से बातचीत करने की भी कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, हमें कहीं नहीं ले जाया जा रहा है। तो ये देखिए, अपने सामानों के साथ ये तमाम विधायक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहीं से वो गुजरात के लिए रवाना होंगे। नहीं जा रहे हो क्या, क्या किसने बुलाया पार्टी ने? मैं तो निजी काम से जा रहा हूँ। निजी काम से गुरदीप सिंह शाहपुरी दिल्ली जा रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, क्या आप अहमदाबाद या गुजरात नहीं जा रहे? नहीं, 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 दिल्ली जा रहा हूँ। पार्टी ने कोई निर्देश दिए हैं? अभी तक 11 तारीख के बाद बुलाया हुआ है। गुरदीप सिंह शाहपिणी ने हमसे खास बातचीत की, अब हम बातचीत करते हैं धर्मेंद्र मोची से। यहाँ पर धर्मेंद्र मोची भी मौजूद। धर्मेंद्र जी, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो मैं तो दवाई लेने के साथ जा रहा हूँ दिल्ली एम्स पे। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से फिर कहीं मूवमेंट? वापस यहीं आएंगे। गुरदीप सिंह शाहपिणी और धर्मेंद्र मोची दोनों का कहना है कि वो दिल्ली जा रहे हैं। अभी और भी विधायकों का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अशोक लाहोटी जो हैं वो यहाँ से थोड़ी देर पहले ही अंदर चले गए हैं। 3 विधायक अभी तक एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। बिल्कुल, तो 3 विधायक अभी तक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि कहाँ आप जा रहे हैं, क्या पार्टी की तरफ से कोई निर्देश दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो निजी काम से जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, ये कहा गया। लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक रिसोर्ट में ठहराया गया है गुजरात के तमाम विधायकों को और वहीं पर विधायकों के भी और पहुंचने की चर्चाएं हैं। दरअसल ये कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि जो कांग्रेस के लोग हैं हमारे विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और इसी वजह से अब हम भी अपने विधायकों के लिए आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि 11 तारीख का इंतजार रहेगा और उसके बाद ही कुछ आगे तय हो पाएगा। ये अशोक लाहोटी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कि जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वो आगे के लिए रवाना हुए हैं और कुछ और विधायकों के भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो जयपुर एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अहमदाबाद के लिए ये रवाना हो रहे हैं, हालांकि साफ साफ इन विधायकों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि निजी काम से ये लोग यहां जा रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, उनके पास सीधे चलते हैं। ऐश्वर्य, आपने भी कई विधायकों से भी बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हम निजी काम से जा रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं है। देखिए, यहाँ पर विधायकों को देखिए आप, ये जो विधायक हैं, 2 विधायक यहाँ मौजूद है, हालांकि इनकार कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम दिल्ली जा रहे हैं। अशोक लाहोटी यहाँ पहुंच चुके हैं, भाजपा के एक पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, भाजपा के कुछ पदाधिकारी पहले से यहाँ मौजूद थे, लगभग यहाँ पर कुछ भाजपा नेताओं का मूवमेंट कुछ देर पहले हुआ है। तो तय मानकर चलिए गुजरात, ये थोड़ी देर बाद ये भी गुजरात पहुंचेंगे और अहमदाबाद ये तमाम नेता पहुंचेंगे। एक और मैं अपडेट दे दूं कि दूसरी तरफ प्रताप सिंह सिंघवी के आवास पर भी कुछ विधायकों ने उनसे मुलाकात की है और अभी जो है अशोक लाहोटी जो है वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ गुरदीप सिंह शाहपिणी और धर्मेंद्र मोची हैं। कुछ देर बाद अन्य विधायक भी यहां पहुंचेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, कि उससे पहले भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लगातार अपडेट दी कि क्या होने वाला है। 2 दिन पहले बाड़ेबंदी को लेकर या फिर प्रशिक्षण शिविर को लेकर अपनी बात कही थी और यहां पर अब ये विधायक यहां पर आए हैं। लेकिन सतीश पूनिया जो है उन्होंने जब बयान दिया था तो उन्होंने एक खास बात कही थी, वो बोले थे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यानी कि उनका कहना था, ये एक सियासी तौर पर एक बड़ा मैसेज था, उन्होंने एक मैसेज दिया। हालांकि इस बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण शिविर को लेकर किसी ने इनकार नहीं किया है, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इनकार नहीं किया था तो हाँ भी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता था कांग्रेस के बारे में तो वो तो यही बार बार कहते थे कि इन्हें अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है और इसीलिए बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है, और अब ये भरोसा कहां गया बीजेपी का? डर तो इधर भी है।
देखिए देखिए यहाँ पर लगातार फ्लैशबैक में जाइए, फ्लैशबैक में एक एक तस्वीर साफ होती चली जाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बताया था कि डॉक्टर सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ ने कई विधायकों को बुलाया है, लगभग 45 विधायक थे, उन तमाम विधायकों से चर्चा की थी, एक एक करके उनसे अपडेट लिया था और अपडेट लेने के साथ कुछ कागजों में हस्ताक्षर करवाए जैसी बातें भी सामने आई थी। तो उसके बाद नया अपडेट ये था कि वसुंधरा राजे हैं वो धौलपुर से सीधे दिल्ली रवाना हो गई थी। फ्लैशबैक में जाइए लगातार, बीएल संतोष से मिली, बीएल संतोष से उनकी मंत्रणा हुई, तो उसके बाद जेपी नड्डा से 2 घंटे मुलाकात हुई, उसके बाद आज राजनाथ सिंह से वो मुलाकात की है उन्होंने। तो दूसरी तरफ इससे पूर्व में डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करके आ चुके हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को नई कार्यकारिणी को लेकर जोड़ा जाता रहा, लेकिन नई कार्यकारिणी जो है उसमें प्रदेश अध्यक्ष बखूबी जानते हैं कि नई कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा स्वाभाविक रूप से होनी है, लेकिन सियासी घटनाक्रम को चर्चा महत्वपूर्ण होती है, इस सियासी घटनाक्रम से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा अपडेट ये कि वो विधायक जो है गुजरात पहुंचे जाने की सूचना है विधायकों की, और विधायकों ने सुबह वहां नाश्ता किया, बातचीत की, और अभी उन्हें सोमनाथ के मंदिर में जाना है। तो ये और अपडेट, फ्लैशबैक में लगातार पीछे चलते जाइएगा तो आपको ये तमाम तस्वीरें साफ नजर आएंगी, लेकिन आगे की तस्वीर क्या, आगे रामचरण बोहरा का आज बयान आता है कि मानकर चलिए 14 तारीख को सरकार चली जाएगी। गुलाबचंद कटारिया कल कहते हैं कि अल्पमत में आ चुकी है सरकार, सरकार चली जाएगी। ये बयान आखिर क्या है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी रणनीति थी वो देख रहे थे कि पहले खेलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल, और इसलिए ऐसा देखा भी जा रहा था कि वेट एंड वॉच की स्थिति में थी बीजेपी लगातार। ऐश्वर्या आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी से जुड़ी हुई अहम खबर, लूटकर नरसंहार विधायक सुमित गोदारा अपने क्षेत्र में सक्रिय है और विधायक गोदारा सुन रहे लोगों की समस्याएं। बीकानेर ईस्ट एमएलए सिद्धि कुमारी भी अपने आवास पर है और नोखा विधायक बिहारी लाल विश्नोई का फोन स्विच ऑफ है। तो आपको बता दें कि लूटकरण सड़क के जो विधायक हैं सुमित गोदारा अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, विधायक गोदारा लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। बीकानेर ईस्ट एमएलए सिद्धि कुमारी भी अपने आवास पर हैं, लेकिन नोखा विधायक बिहारी लाल विश्नोई का फोन स्विच ऑफ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी जुड़ गए हैं। काशीराम, कई विधायक तो ऐसे जो कि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन कई ऐसे जिनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, उनका फोन स्विच ऑफ है। जी दिव्या, बिल्कुल, देखिए कुछ इस तरह की जानकारी मिल रही है कि कुछ विधायक अभी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अशोक लाहोटी जयपुर एयरपोर्ट फिलहाल पहुंचे हैं, भाजपा के विधायक हैं सांगानेर से, उनके साथ एक राजेश मंगल की भी पहुंचने की सूचना मिल रही है। ये दो लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं जयपुर से अहमदाबाद के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट से। कुछ और भी लोगों के जाने की सूचना मिल रही है जिस तरह से ये जा रहे हैं अहमदाबाद के लिए। तो फिलहाल कितने विधायक हैं इस बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है, लेकिन कुछ विधायक हैं जो कि जयपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। स्पाइसजेट की ये फ्लाइट है जो कि दोपहर अभी 2 बजे जयपुर से रवाना होगी। बिल्कुल, और इस वक्त हम एयरपोर्ट की तस्वीरें भी देख रहे हैं काशीराम, वहाँ सुरक्षा जो व्यवस्था है वो काफी इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है, काफी अलर्टनेस दिख रही है। तो बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है और उसके लिए कई कारण भी है इसके पीछे, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम तो है, दूसरा स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है और उसके वजह मद्देनजर भी हाई अलर्ट जयपुर एयरपोर्ट पर किया हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसे रोकने के लिए सीएसएफ ने यहाँ पर विशेष रूप से अलर्टनेस की है और स्थानीय पुलिस भी ये के साथ भी यहाँ पर सहयोग लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका काशीराम इस जानकारी के लिए। ऐश्वर्य प्रधान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, और कितने विधायक यहाँ पहुंच सकते हैं और क्या इन सभी विधायकों को एक ही रिसोर्ट में रखा जाएगा या फिर अलग अलग जगह? इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक और विधायक है जो कि भीलवाड़ा से हैं, RJ06 यानी भीलवाड़ा की गाड़ी है। विधायक कुछ और विधायक इसमें आए हैं, जबर सिंह सांखला जो है, गोपीचंद मीणा इसमें दिखाई दे रहे हैं, गोपीचंद मीणा के साथ जबर सिंह सांखला भी है। ये दो विधायक है, हम बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ जा रहे हैं आज आप? हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने? गुजरात? नहीं, गुजरात का भी नहीं है। फिर क्या प्लान बनाया गोपीचंद जी, कहाँ घूमने जा रहे हैं? पार्टी के निर्देश पे हम स्वतः हमारे संभाग के 6 लोग जा रहे हैं, जैसे पार्टी का निर्देश है वैसे। पार्टी ने क्या कहा आपको, कोई सूचना दी है? पार्टी ने सूचना दी कि एयरपोर्ट पहुंचो, 1 बजे का समय दिया था, उस सूचना के आधार पर हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अब क्या प्लान है आपका, मतलब वहाँ कितने दिन के कपड़े लेकर जा रहे हैं? दो दिन के। यहाँ पर गोपाल शर्मा भी है, गोपाल खंडेलवाल। गोपाल जी कहाँ जा रहे हैं आज? हम एयरपोर्ट आए हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हो, गुजरात? अभी पता नहीं कहाँ जाने का पता नहीं है। यहाँ पे क्या सरकार का अभी आपस में लफड़ा चल रहा है, जो उससे जो पार्टी के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार। कहा जाता है कि तमाम जो ये बातें हैं इनके लिए कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन आप करोगे, सोमनाथ शत्रुओं का विनाश करते हैं।
बढ़िया, भगवान के दर्शन होंगे, शत्रु का विनाश होगा, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, राजस्थान का अच्छा विकास हो, इसके लिए भगवान के दोग दें। ये आप देख सकते हैं कि ये विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, भीलवाड़ा के विधायक है। तीनों विधायकों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार अपडेट दिखा रहा है कि ये तीन विधायक और एयरपोर्ट आ चुके हैं और विधायकों का जाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गोपाल खंडेलवाल खुद गाड़ी चलाकर आए हैं, विधायक हैं ये, भीलवाड़ा के हैं तीनों। तो दूसरी तरफ जबर सिंह सांखला है, गोपीचंद मीणा है, तीनों विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। ये देखिए गोपाल खंडेलवाल जी, गोपाल खंडेलवाल जी के चेहरे पर प्रसन्नता है, खुशी इस बात की है कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। अब आपके दर्शन करोगे सोमनाथ भगवान के दर्शन? बहुत अच्छी बात है, श्रावण मास चल रहा है, इसमें भगवान का दर्शन करने में बहुत बुरा ही नहीं, बहुत अच्छा। भगवान सद्बुद्धि दे सबको। और राजस्थान ये ब्रीफकेस जो है वो साथ लेकर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सामान पूरा दिख रहा है विधायकों के हाथ में, यानी कि इन्हें बुलाते हुए बिल्कुल ऐश्वर्य, यानी कि दर्शाता है कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ वहां रहने वाले हैं कुछ दिन ये लोग। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और आप देख सकते हैं कि अशोक लाहोटी इनको बुला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हालांकि निर्मल कुमावत की सूचना थी कि निर्मल कुमावत या रामलाल शर्मा या फिर अविनाश जैतारण, इनमें से किसी को भेजा जाएगा, लेकिन अचानक से शायद पार्टी ने कोई प्लान चेंज किया है। यहाँ पर अशोक लाहोटी नजर आ रहे हैं, तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी यहाँ दिखे थे। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो किश्तों में जाएंगे। हालांकि इनके पास कुछ विधायक कह रहे हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, कुछ को सूचना है कि सोमनाथ जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर आपके सबके सामने है कि तस्वीर क्या है। ये अभी सियासत जो है, ये ऑपरेशन जो है वो दूसरा ऑपरेशन शुरू हो गया है, ऑपरेशन लोटस को लेकर बात कही जाती रही थी, ऑपरेशन लोटस 2, तो इसको उसकी तहत एक रणनीति माना जा सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार फ्लैशबैक भी दिखाएगा कि क्या फ्लैशबैक रहे तमाम, क्या रणनीति रही, और उनके बाद आज ये जो है बाड़ेबंदी शुरू हो गई। सियासत के तौर पर अगर देखा जाए तो इशारों को समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है सियासत में। इससे पहले इन तमाम लीडर्स के इशारे क्या रहे थे, अब इसमें इंतजार रहेगा कि कालीचरण सराफ हैं वो किधर मूव करते हैं, प्रताप सिंह सिंघवी किधर मूव करते हैं, नरपत सिंह राजवी किधर मूव करते हैं, तो दूसरी तरफ कैलाश मेघवाल कहां मूव करते हैं। कई बुजुर्ग विधायकों को नहीं ले जाने की बात की गई है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है, सतीश पुनिया खुद बोले थे कि कांग्रेस तो बुजुर्ग विधायकों को भी लेकर जाती है, उनके बुजुर्ग अवस्था की बीमारी का ख्याल नहीं करती, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहां पर फिलहाल तो तमाम युवा टाइप के या फिर कहे तो बुजुर्ग कम से कम नहीं है, ऐसे विधायकों को ले जाया गया है। तो अब इस फहरिस्त में और कौन होंगे, गोविंद रानीपुरिया क्या आएंगे, क्या नरेंद्र नागर यहां पर आएंगे, और कौन कौन से विधायकों को यहां आना, ये देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्य बिल्कुल, और अभी हम खबरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि कई विधायक तो ऐसे हैं जो कि अपने अपने इलाकों में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका फोन तक स्विच ऑफ हो चुका है, उनसे कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। देखिए फोन पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर जब बातचीत करते हैं तो इन्हें लोकल स्तर पर परिवार वालों से या घर वालों से बात करनी होती है, इस बात से कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके मोबाइल में इनके मोबाइल में जिनके नंबर सेव हैं उनके नंबर कम से कम फिलहाल ये रिसीव नहीं कर रहे हैं, या कहें तो पत्रकारों के या फिर नेताओं के या फिर अधिकारियों के नंबर ये फिलहाल रिसीव नहीं कर रहे हैं। सभी के मोबाइल जो है स्विच ऑफ हैं, लेकिन ये जो खबर है ये सबसे पहले यही है कि इनको कल ही अलर्ट कर दिया गया था, ये तमाम विधायक यहाँ आ गए थे। अलर्ट करने के बाद ये विधायक जो हैं वो यहाँ पर अभी रवानगी ले रहे हैं, पहले अलर्ट कर दिया गया, तो आप देख सकते हैं कि इनकी संख्या हो गई है 2 और 3। तीन यानी कि अशोक लाहोटी, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र मोची, गुरदीप सिंह शाहपीणी, तो गोपाल खंडेलवाल, गोपाल शर्मा खंडेलवाल, गोपीचंद मीणा, और गोपीचंद मीणा के अलावा एक और विधायक जबर सिंह सांखला। 6 विधायक अभी तक जा चुके हैं, तो अब अंदाजा लगाया जाए तो 12 कल चले गए थे, 6 अब जा रहे हैं, 18 को लेकर कल सूचना लगभग आ रही थी, तो 18 पहुंच जाएंगे। 3 निर्दलीय विधायकों की भी हालांकि चर्चा है कि 3 निर्दलीय विधायक जो कि सचिन पायलट कैंप की तरफ जाने की सूचना थी वो गुजरात पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें जो है ये सामने है, लेकिन फ्लैशबैक की तरफ आप जाइएगा तो आपको बीजेपी की रणनीति जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से साफ तौर पर दिखाई देगी। बीजेपी के एक नेता यहां पर पहुंचे हैं, राजेश मंगल, वो यहां पर सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से उनका संवाद रहता है, वो यहां पर तस्वीरों में दिखे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपने किसी निजी काम से आए हैं, उन्होंने इस तरीके से कहा कि उनको इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, इनकार भी किया, लेकिन तमाम जो तस्वीरें हैं फ्लैशबैक में जाओगे तो सामने आती चली जाएगी कि ये तमाम जो नेता हैं इनकी रणनीति इनकी भी अपने लिहाज से चल रही है। तो दूसरी तरफ क्या 14 तारीख को आखिरकार क्या होगा, 11 तारीख को कोर्ट का फैसला क्या आता है, और उसके बाद 14 तारीख को क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर सबके सामने है, स्थितियां सबके सामने हैं, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खूबी होती है, सभी कानून के लिहाज से अपनी जो है
तमाम ताकत का इस्तेमाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 12 कल चले गए थे और 6 अभी वहां पर पहुंचे हैं, वो भी रवाना हो रहे हैं, तो 18 हो गए कुल। तो क्या इन सभी को एक ही जगह पर रखा जाएगा, यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था रहेंगी, किसी को कुछ रिसोर्ट में रखा जाएगा और कई विधायक कुछ और रिसोर्ट में रहेंगे, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, फिलहाल जो सूचना है वो अहमदाबाद के पास एक रिसोर्ट है, बड़ा शानदार रिसोर्ट माना जाता है। ये रिसोर्ट जो है वो गांधीनगर रोड के आसपास है, उधर का ये रिसोर्ट बताया जाता है। लेकिन उस रिसोर्ट में सुबह इनके नाश्ता करने की या कुछ देर रुकने की खबर थी, ये सूचना हमारे पास आई थी। उसके बाद इन्हें सोमनाथ ले जाए जाने की अभी तक भी उन्हें ये विश्वास है कि वो सोमनाथ जाएंगे, सोमनाथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन सियासी तौर पर जब सवाल पूछा गया कि सोमनाथ जो है वो शत्रुओं का विनाश करते हैं, महाकाल का दूसरा ही रूप है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो क्या माना जाए, सोमनाथ को प्रणाम करना या आखिरकार रणनीति क्या है, ये तो अब देखते हैं कि इनकी रणनीति क्या होती है। लेकिन दूसरे कई विधायक हैं, उनको लेकर देखना होगा। कोटा संभाग के एक भी विधायक अभी यहां नहीं आया है। बीकानेर संभाग के विधायकों में सुमित गोदारा का इंतजार है, बिहारी लाल विश्नोई का इंतजार है, कई विधायकों का इंतजार है, वो अभी नहीं आए हैं। तो दूसरी तरफ जोधपुर संभाग है, उसके सभी विधायक नहीं गए हैं। सिरोही के 2 विधायक गए थे उस पूरी फेरिस्ट में। तो उदयपुर के जो सारे विधायक थे वो गुलाबचंद कटारिया साहब से फोन पर बातचीत करने के बाद, संवाद करने के बाद रवाना हुए थे। तो ज्यादातर आदिवासी विधायक अभी तक पहुंचे हैं, इनमें एक दलित भी है, धर्मेंद्र मोची जो है वो दलित है। तो बाकी के एक और आदिवासी है, गोपीचंद मीणा, 2 गोपीचंद मीणा है, एक उदयपुर संभाग में है और दूसरे गोपीचंद मीणा भीलवाड़ा में है। तो ये 2 गोपीचंद मीणा यानी कि ज्यादातर एससी एसटी के विधायक फिलहाल जा रहे हैं, बाकी के विधायक क्या अपनी व्यवस्थाओं से जाएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर सियासी जो ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है, कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी हर तरफ देखा जा सकता है, भले ही इसे कोई भी नाम दिया जाए, लेकिन सियासत जो है वो भरपूर है। भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर मैदान में आई है, सामने है, लेकिन भाजपा जो है वो इनकार कर रही है कि उनकी ये बाड़ेबंदी नहीं है, वो अपने विधायकों को कहीं भी ले जाएं, कहीं भी बातचीत करें, ये उनका पर्सनल मामला है, उनका प्रशिक्षण शिविर है, ये स्वाभाविक तौर पर होता है, ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये बीजेपी भी बखूबी जानती है। जी ऐश्वर्य, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि फिलहाल जो बुजुर्ग विधायक हैं वो अभी तक नहीं निकले हैं यहाँ से, और कहा जा रहा है कि शायद उम्मीद भी कम है कि वो ना जाएं, युवा जो विधायक हैं वो ही फिलहाल जा रहे हैं, तो क्या ये सभी के सभी 14 तारीख तक वहीं रहेंगे या फिर उससे पहले वापसी भी हो सकती है, कुछ और इनपुट्स? देखिए मानकर चलिए 11 तारीख को ये तमाम जो है वो कैंप में आ जाएंगे, जिस तरीके की सूचना है 11 तारीख को ये कैंप में आ जाएंगे, ये लगातार ये सूचना अभी हमारे पास है। लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार प्रदेश प्रभारी के तौर पर यहाँ पर अविनाश राय खन्ना आएंगे या फिर कोई दूसरा नया प्रदेश प्रभारी बनाया जाता है, किसे प्रदेश का प्रभार देकर भेजा जाएगा इन तमाम विधायकों के साथ बातचीत करने के लिए, या फिर वसुंधरा राजे को ही कह दिया गया है कि आप भी मीटिंग कीजिए, आप सभी लोग आपस में बैठकर बात कीजिए, ये तमाम देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो फिलहाल डॉक्टर सतीश पूनिया, चंद्रशेखर बखूबी जानते हैं कि स्थितियाँ क्या है, या फिर केंद्रीय नेतृत्व जानता है। राजेंद्र राठौड़ आज इनकार कर चुके हैं किसी भी सियासत को लेकर कि सियासी तौर पर क्या चल रहा है, कुछ और गाड़ियाँ आने की सूचना है, लेकिन जी फिलहाल इंतजार है कि अभी ऐश्वर्य कांग्रेस की बाड़ेबंदी में तो हम देख रहे हैं कि जो विधायक मौजूद है बाड़ेबंदी में उनके लिए कई जो नेता हैं दिल्ली से भी यहां पहुंचे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली से भी जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के वो अहमदाबाद जाएं? देखिए गुजरात यानी कि भारतीय जनता पार्टी, गुजरात में चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वहां पर बेहद काबिल नेता हैं, तो यहां से दिल्ली से भेजे जाने की कम आवश्यकता है फिलहाल। तो दूसरी तरफ राजस्थान से बिल्कुल करीब है गुजरात, राजस्थान से ज्यादा दूरी नहीं है, राजस्थान बॉर्डर से यदि हम माउंट आबू क्षेत्र से या फिर उदयपुर संभाग से जो कल विधायक गए थे तो महज थोड़ी दूरी पर गुजरात आ जाता है। तो सीधे तौर पर ये गुजरात के जो लोग हैं वो भी इनसे संवाद कर सकेंगे, सतत संवाद सकेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस पूरी टीम का नेतृत्व कौन करता है, निर्देश दिशा निर्देश किसके प्राप्त होते हैं, उन दिशा निर्देशों के लिहाज से किसी को भी। तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है और इसी वजह से सबसे मुफीद जगह जो है अहमदाबाद ही गुजरात में माना जा रहा है, और इसी वजह से इन तमाम विधायकों को वहां रवाना किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।